और बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है आज। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और आज धूप भी लगी है, मौसम अच्छा हो रखा है आज। और आज सुबह सुबह आया हूँ मैं अपने खेतों में, आज हमारा हल लगेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। और अभी चलते फटाफट हल लेने के लिए, खेत में हल लेके जाना है। कल इसी वाले खेत में काम कर रहे थे तो ये आधा झाड़ी छोड़ के चले गए हम, और ये यहाँ पे ये घास का इकट्ठा किया यहाँ पे, और एक पूली ये घास की भैंस के लिए लेके जा रहे थे, इसको भी छोड़ दिया। और यहाँ पे हमने आग भी जला रखी थी कल, और यहाँ पे से नज़र लगी मेरी, हाँ यहाँ पे था बिल्कुल ही इस वाले खेत के ही नीचे। देख लो अब इसके बाग के हमारे बीच में कितना डिफरेंस था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। और ये घास ऐसी छोड़ के चले गए कल, तो कल की सिचुएशन देख के हमने बोला कि भाई चलो घास वास जाए बाड़ में। और माँ तो कह रही थी कि कल की एक काम करते हैं कि ये घास छोड़ के चले जाता है भैंसों के लिए, ये नहीं ले जानी भैंसों के लिए। मैंने कहा चलो जो भी होगा, अब मुँह के आगे आ ही गया है, अब जो होना होगा वो हो गई होगा। तो घास भी लेके चले गए थे थोड़ा बहुत, पर वो वहाँ पे था, मैं समझा कि यहाँ से हल्ला किया तो वो आगे की तरफ चले गया। मैं सोचा कि पता नहीं कहाँ मुँह के आगे आ जाए, रास्ते में खड़ा हो जाए और ना हमें इधर के रहे ना इधर के रहे, इधर पीछे फिर जंगल पड़ गया। वो सही हुआ वो हमारे रास्ते में नहीं आया, वो वहीं से पता नहीं किधर चले गया। फिर रात में घर पहुंचने के बाद भी भाई साहब, वो रात में जो कल घूर रहा था ना बाघ, सारे लोग डर से गए थे। और मैं आया हूँ इस हल के लिए, तो इसको लेके चलते ऊपर वाले खेत में, और आज बहजी लगाएंगे हल। और एक खेत में हमारी बुवाई हो गया, बाहर के हम दूसरे खेत में। और कल यहाँ पे क्या हुआ कि जल्दीबाजी में हम अपनी थमाली भूल गए और उसे ढूंढते रहे, और सुबह में यहीं पे ही मिली, और जल्दीबाजी में हम यहीं भूल गए थे कल डर के बाघ के डर के। तो यहाँ पे बोए जा रहे जौ और सरसों, लइया फूलिया पहिया। और आज सुबह सुबह उठ गया था तो जल्दीबाजी में ना कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो इस वजह से कल वीडियो लेट आई। और आजकल आप लाइक वगैरह थोड़ा कम कर दो तो लाइक कर दिया करो जरा, इससे मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ पे आज चाचा भी हैं हल लगा रहे हैं, जिन्होंने कभी हल नहीं पकड़ा था। यहाँ पे हल ही चलते हैं क्योंकि ना यहाँ पे छोटे छोटे तो खेत हैं हमारे, ये देखो यहाँ ट्रैक्टर टुकटर नहीं चल पाएंगे, और तब तक नीचे वाले खेत में गिर जाएगा ट्रैक्टर। बराबर तो यहाँ खेत होते ही हैं टोटल हमारे छोटे छोटे से। और अब लग रहा है यहाँ पे ये झोल, तो जो बाकी का बचा कुचा बीज है ना वो इससे दब जाएगा नीचे। और बचपन में जब हम छोटे थे तो इसमें बैठना मतलब बड़ा मज़ा आता था, हल लगाए ना लगाएं पर झोल लगाते टाइम इसमें ज़रूर बैठना है। और पहले बल्द हमारे देसी बोलते थे, खतरनाक ही थे, वो बहुत तेज़ भागते थे। और बचपन में कौन कौन इंतज़ार करता था कि झोल में बैठना है, और जैसे ही ना हल लगना ख़त्म हो गया खेत में और झोल की बारी आई, और बच्चे खुश झोल में बैठना है मुझे, हैं गाड़ी में, हाँ गाड़ी। तो वो भी क्या दिन थे बचपन के, याद आ गए। और चाची और अब आ रहे हैं नाश्ता लेके, हम बिना नाश्ता किए आए घर से। और चाची के बड़े में त्यौहार आज आलू की थिचोड़ी। अच्छा, और चाची भी सब्जी भी लेके आई, तो मूले की सब्जी लेके आई, चाची ढंगा सब्जी लेके आई यार। और आज बादल भी लग गए बहुत ही ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। हाँ यहाँ भी अंधेरा ही हो गया गाँव में, एक साइड बादल लग गए ना ऊपर, आधी धूप आधी छाव। और अब हम चलते घर, आएंगे आराम से हल लगा के। आज ना ये गैत वगैरह भी कूटने थे, बहुत ज़्यादा हो गए, काफ़ी दिन से पड़े पड़े। और मौसम भी अब धीरे धीरे ना रंग बदल रहा है, अब कहीं बारिश वगैरह ना आ जाए इस बात की भी डर है,
वैसे भी अब बादल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और काम भी आजकल बहुत सारे पेंडिंग वगैरह पड़े हैं। और कुछ भट्ट हमारे यहाँ पे भी रखे हैं चौक में, ये सब हमारी हैं। ये दालें तो दादा और की हैं और दादा यहाँ पे झूम बैठे हैं चुपचाप से, शायद सो के उठे होंगे। पर दादा दुकान लगा के तो बैठे ही रहते हैं हमेशा, तो मस्त खोल है दादा की दुकान। दादी हंस रही है। अच्छा ये देखिए आप, दादा ने सुख से बना दिया एकदम कर करे मस्त। और ये खाएंगे वो सर्दियों में, बड़ा ही मस्त होते हैं। और दादा से पूछते हैं इनमें से कुछ बिकाऊ है या नहीं है। दादा बिकाऊ छेंच की नहीं कुछ बिकाऊ बीजवल बिकाऊ बिकाऊ हाँ बिका नहीं बिकाण हो अच्छा तो दादा का काम है ना बिका रहे हो। दादा बोल रहे बिकाने के लिए नहीं बोल खाने के लिए। अच्छा तो यहाँ दादी भी बैठी है पेड़ के पीछे चुपचाप से, दादी ऐसे देखती है मतलब है शर्म लगती है दादी का। और आज दादी ना धो के एकदम चिपली बनी है। दादी की आवाज़ नहीं आ रही पर हंसी छूट रही है। दादी का पता है ना वीडियो देखती है इसलिए दादी अब बोल ले, बोले हाय कह रही जरा हाय। बल भागवत जा दादी बोल। जा लेती जरा भागवत गण जाई। दादी बात ही नहीं कर रही भाई। दादी दादी पता नहीं क्यों नहीं कर रही बात। मैं अभी घर पे चावल चढ़ा के आया हूँ। यहाँ दादी खा पी के अपना भांडे धो रही है, बर्तन धो रही है दादी है। हाँ ये देखो दादी वाले की नारिंग, दादी बिकाऊ थी बोले नारिंगे बिकाऊ है बल है कह ली जानी। अभी हम कस्टमर अभी पकड़ देंगे, बताओ हम अभी ली वाला कस्टमर। तुम ये बताओ नारंगी बिकाऊ है ये सारी पक्का? अरे नारंगी अच्छी है यार, इसमें बहुत बहुत नारंगी और क्या इस बार संतरे है मौसम भी। इस पेड़ की बस एक ही पेड़ बिकाऊ है, दादी के पास बहुत स्टॉक है इधर। ये देखो पीछे भी है भाई, ये नहीं है कि एक ही पेड़ है। ये जल्दी पक जाएंगे हैं दादी। अरे ये देखिए यहाँ भी तो है दादी के पास स्टॉक। दादी करिए फ्री में ले जाओ बल। अरे फ्री में नहीं तो कद का, चलो 2 रुपए की एक लगा देना। इससे सस्ता क्या कर सकते, 100 रुपए की 50 है 2 रुपए की एक पक्का? लो इतना सस्ता मैंने क्या रेट लगा दिया आपके लिए। लेने बनता एक मैं भी तोड़ के खाता हूँ। चबूतरा चाहिए हम भी नारंगी खाते हैं इसमें से निकाल के। ये पिछली बार इस पेड़ में ना बहुत 3 कट्टे मौसमी निकली पर 4, और इस बार ना इनका साइज छोटा है। पिछली बार इतना बड़ा साइज था, बहुत बड़ा साइज था, और इस बार पता नहीं क्या हो गया नारंगी खराब हो गई। साइज छोटा है और पक जल्दी गई। ये देखिए ये इनका साइज बहुत बड़ा है पर ये हरी है, अभी साइज बड़ा है पर हरी है। और इस बार ये पेड़ खराब हो गया पता नहीं कैसे, ना तो इससे बड़ी बड़ी नारियां ने नारिंगी लगती इसमें मौसमी है ना दादी। और आज हम घास काटने फिर से वहीं आ गए जहां कल आए थे। कल यहां से उस साइड गए थे पर आज हम उस साइड नहीं जाएंगे, आज हम इसी साइड काटेंगे, आज हम दूसरी साइड नहीं जा रहे। अभी माँ नहीं आई, अभी माँ को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरा काम है ये नीचे की सारी घास काटनी और जितना भी कूड़ा करकट है सब जलाने के लिए इकट्ठा करना। तो फटाफट से घास काटते हैं फिर बाघ का भी आने का टाइम है, उसके साथ जरा सेल्फी भी लेनी है आज, कल अधूरी रह गई थी। और आज ना माँ नहीं आई इस साइड, थोड़ा लेट हो गई थी बट ठंड लगने लग गई। और अब इस साइड में ना ये ऊपर चाची है तो चाची की वजह से रुका हूँ मैं इधर थोड़ा, ना तो अभी तक मैं भी चले जाता। और कल यहीं पे भाई साहब ये इस वाले खेत के यहाँ पे यहीं पे बैठा था इधर। और आज बार बार डर भी लग रही थी और जितनी बार काम कर रहा हूँ उतनी बार पीछे मुड़ के देख रहा इधर आके कहीं दोबारा आ तो नहीं गया। तो अभी अंधेरा होने लग गया, अब भगत से चलते हैं घर। खैर आज तो जरा शांत था वो। चाची भाग गई। हम भी भागते हैं। और अब हम आ रहे हैं गौशाला से और यहाँ चाचा ने सब्जी भी बना दी।
अबे कम से कम लाइट तो जला देते इधर। इधर सिंह जयपाल सिंह नेगी। और चाचा अबे पिंड बनाना चाहता हूँ यार, खाना खाना आ जाए। हाँ चाचा।